तो आप सभी को स्वागत है विजय ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों नमस्ते, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि विजय रिया ब्लॉग के अंदर मैंने जो उनका फर्स्ट जो वीडियो था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, लव मैरिज कपल के नाम से भी है, मतलब उनको जानने लग गए हैं अब तो, अपने जो हर ब्लॉग में वही एड करते हैं। और जैसे कि आज पूरा एक साल हो गया है, उन्होंने आज 15 जनवरी को लास्ट ईयर शुरू किया था और आज पूरा एक साल हो गया है और आज आ गई है नई कार। कितनी खुशी की बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो विजय और रिया, जिंदगी में आप ऐसे तरक्की भी करते रहो, खूब आगे बढ़ो, ये दिल से दुआ है, आपके दिल से प्रार्थना है। और सभी जितने भी छोटे यूट्यूबर है सबको मेरी यही है कि सब ना बस मेहनत तो खैर करनी पड़ती है पर उन्होंने भी करी है। जो तो शादी के बाद में ना ये जो बकरी का बाड़ा होता है ना वहां रहे थे। क्यों रहे थे? क्योंकि घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लव मैरिज कर ली थी इसलिए। तो इस तरह से मतलब स्ट्रगल करके, मतलब ना खाने को था रहने को था, फिर भी मतलब रहे और आज देखिए एक साल के अंदर किस मुकाम तक है, घर बन रहा है, कार आ गई है, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं सबको ये कहूंगी कि हाँ बस ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी अपन को और आगे बढ़ना है। तो आपको बहुत बहुत जो है बधाई हो विजय रिया, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। और पता है मतलब किनके जहाँ पे ये काम करते थे लाइब्रेरी, जिनका लाइब्रेरी के जो ओनर है ना वो भी आए हैं। कितनी खुशी की बात है कि आज वो भी इनके साथ में, उनका आशीर्वाद इनके साथ में है, मम्मी पापा सबके साथ में। चलो सेलिब्रेशन देखिए ये। तो आज मतलब इनकी खुशी में शामिल होने के लिए जहाँ विजय पहले काम करते थे लाइब्रेरी के अंदर, मतलब शादी के बाद में विजय ने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, वहां पे जॉब करते थे, जो वहां के जो ओनर है वो भी इनके साथ में आए। तो कितनी खुशी की बात है, आज मम्मी है पापा है वो उनके ओनर है, उनका आशीर्वाद इसके साथ में है। और आप सबका आशीर्वाद विजय को दीजिए और विजय की कार कैसी लगी वो जरूर कमेंट्स में बताइए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो कर लीजिए चैनल को।